हेलो गाइस, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर को जो हिस्ट्री के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी है, और ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, इसको अच्छे से देखिए, पूरा क्वेश्चन यहीं से बनना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? आईने अकबरी जो है ये कितने भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में, ठीक है। और आयने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। आयने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। अच्छा, ये जो है पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सन की बादशाह, ठीक है। फिर अकबर, अकबर के काल में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ? हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो ये अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था? ठीक है, गुलबदन बेगम ने जो है किसके आग्रह पर जो है हुमायूं नामा लिखा है? तो ये अकबर के कहने पर लिखा था, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, बादशाह नामा किसने लिखा है? बादशाह नामा जो है किसने लिखा है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ठीक है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो ये अकबर ने बनाया था, ठीक है, अकबर ने। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में, ठीक है। फिर जाकर के शाहजहां ने किस नगर की स्थापना की? शाहजहानाबाद की। ये कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये काबुल में है, ठीक है। अच्छा, शाहजहां जो है इसकी मकबरा कहाँ है? तो ये भी आगरा में है, ठीक है। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ठीक है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो ये हो जाएगा 1582 में, ठीक है। कब चलाया? 1582 में। फिर कहता है दास प्रथा की समाप्ति कब की थी अकबर ने? तो 1562 में। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया? 1563 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया? 1563 में। फिर जा करके जजिया कर की समाप्ति ये कब किया? 1564 में, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो है संरक्षक कौन था? तो ये जो है बैरम खां, ठीक है। और ये संरक्षण काल कब से कब तक था? तो संरक्षण काल जो है ये 1556 से जो है ये 60 तक था, ठीक है। 1556 से 60 तक था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये जो है पहले जो है आगरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? आगरा में आराम बाग में, ठीक है। बाद में इसे जो है काबुल लेके चला गया था। बाबर का मकबरा जो है बाद में कहाँ? तो काबुल में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा जो है ये शाहदरा लाहौर में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। औरंगजेब का जो है वास्तविक नाम क्या था? आलमगीर, ठीक है। औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? आलमगीर। अच्छा, मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है।
अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी। कौन थे? बदायूनी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्ला खान और आगा खान ने किया था। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट कब हुआ? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ? तो ये भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और ये कब हुआ था? 19 मार्च को हुआ था। ठीक है, 19 मार्च जो है 19 मार्च 1919 को जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और बोलेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा ये किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ये जो है 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। और ये कहाँ किया था? तो ये कानपुर में। कब किया था? 1925 में। कानपुर में जो है ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, फिर अरुणा आसिफ अली को। अरुणा आसिफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? अरुणा आसिफ अली को। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब आरंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 से जो है 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जर्मनी का जो है पोलैंड पर आक्रमण ये जो है तत्कालिक कारण था। ठीक है, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये 14 अगस्त 1947 को। बोलेगा विभाजन विभीषिका दिवस। क्या बोलेगा? विभाजन विभीषिका दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो ये 14 अगस्त को मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, फिर जाकर के 15 अगस्त 1947 को जो है भारत ये जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति इसके सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में जो है ये 7 सदस्य था। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित। ठीक है, अध्यक्ष सहित बोलेगा तो 7 सदस्य और अध्यक्ष को छोड़ करके 6 सदस्य। ठीक है, और प्रारूप समिति के जो स्थापना ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत कब गणतंत्र हुआ? ठीक है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
और बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो मौलाना आजाद, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो है ये लियाकत अली थे, ठीक है, लियाकत अली। और बोलेगा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल तो मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहां भेजा गया, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहां भेजा गया, तो ये रंगून भेजा गया, कहां भेजा गया, रंगून, ठीक है। और बोलेगा मुगल अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अच्छा, रेल, रेल, डाक तार, ये सब जो है इसके जनक कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी, रेल सेवा का जनक, डाक तार सेवा का जनक ये कौन था, डलहौजी था, ठीक है। द्वैत शासन, द्वैत शासन जो है ये बंगाल में जो है कब लागू किया गया, 1765 में, ठीक है, और इसकी समाप्ति कब हो गई, 1772 में। द्वैत शासन समाप्त कब हुआ, तो 1772 में, ठीक है। नेक्स्ट, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध ये किससे है, यानी कि हड़प नीति बोल रहा है, ठीक है, व्यापगत सिद्धांत मतलब हड़प नीति, तो ये किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी, 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को हुआ था, और ये जो है प्रारंभ कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक है, कहां से, मेरठ से। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये बंबई में है, कहां है, बंबई में, और ये इसकी स्थापना कब हुई, 1913 में, ठीक है। और इंडिया गेट कहां है, तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई, 1931 में, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहां है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां है, तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, इंडिया गेट कहां है, नई दिल्ली में, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत ये कब हुई थी, ये 1853 में हुआ था, ठीक है, 1853 में। रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया, वास्को डिगामा जो है भारत कब आया, तो 17 मई 1498 को आया था, कब आया था, 17 मई 1498 को। अच्छा, ये कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट बंदरगाह, ठीक है, केरल के कालीकट, इसका जो है प्राचीन नाम क्या था, कपकाडू बंदरगाह, ठीक है, कपकाडू बंदरगाह। ये अगर केरल के कालीकट बंदरगाह ना दिया रहे, तो ये जो है कपकाडू बंदरगाह दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था, ड्रेन थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है, 1886 में जो है दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जो है 1886 में किया था, और प्रथम पारसी अध्यक्ष, ठीक है, 1886 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। फिर जाकर के जो है 16 सितंबर को जो है, 16 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जो है
ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच। अच्छा, भगत सिंह के साथ जो है सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों को जो है फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व, या फिर जो है अगर ऑप्शन में 599 बीसी रहे तो अभी नया वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ये 599 बीसी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, किससे है, जैन धर्म। सांची का बौद्ध स्तूप जो है, सांची का बौद्ध स्तूप ये जो है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सांची मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला, रायसेन जिला अब्दुल्लागंज। ठीक है, रायसेन जिला अब्दुल्लागंज में। ठीक है, और सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, प्राचीन भारत में जो है धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने करवाया था, किसने करवाया था, अशोक ने। नेक्स्ट, अकबरनामा किसकी कृति है, अकबरनामा जो है ये अबुल फजल की कृति है। ठीक है, अकबरनामा किसकी कृति है, अबुल फजल की। इब्न बतूता ने क्या लिखा था, रेहला, रेहला नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा, इब्न बतूता ने। ठीक है, फिर जाकर के अलबरूनी, अलबरूनी ने जो है तहकीके हिंद, तहकीकाते हिंद या तहकीके हिंद जो है ये किसने लिखा, तो ये जो है भारत की खोज अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, शेर शाह ने जो है चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, शेर शाह ने जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, चौसा का युद्ध ये कब हुआ था, 1539 में, और इसके बाद जो है एक और युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, उसमें भी जो है शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था और शेरशाह ही जीते थे। ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो ये भी जो है शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, ये 1540 में हुआ था। फिर जाके नेक्स्ट आते हैं, जीतल किस धातु का होता था, जीतल जो है ये तांबा का था। ठीक है, ये इल्तुतमिश के समय चला था, जीतल जो है, और टंका, टंका जो है ये चांदी का सिक्का था, टंका क्या था, तो ये जो है चांदी का सिक्का था। ठीक है, और जो है जीतल ये क्या था, तो ये जो है तांबे का सिक्का था, और ये किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था, किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, जहांगीर का शासनकाल कब था, जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से 1627, 1605 से जो है 1627। ठीक है, ये शाहजहां का शासनकाल बोलेगा तो 1627 से 1658, फिर औरंगजेब का शासनकाल आ जाएगा 1658 से 1707 जो है औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, अकबर के काल में जो है भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये चार भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, नवरत्न ये किसके दरबार में रहते थे, तो नवरत्न जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, और सबसे पहले नवरत्न किसने रखा था, तो सबसे पहले नवरत्न जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो है सबसे पहले नवरत्न रखने वाले अपने दरबार में कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, कितने, 22 पुलिसकर्मी को जो है, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और ये जो है गोरखपुर में है। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को जो है, और लाल बाल पाल में जो है लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और जो है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया,
साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया, तो ये जो है 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। और बोलेगा सबसे पहले कहाँ आया था, तो सबसे पहले मुंबई में आया था, ठीक है, सबसे पहले मुंबई। अच्छा, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये जो है नवंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1927 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च से शुरू कौन सा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, कहां से, तो डांडी से, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, ये कोलकाता के टाउन हॉल से, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को जो है 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो डांडी जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। डांडी कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। डांडी मार्च कब शुरू किया, ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम से। और कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च से जो है 6 अप्रैल तक जो है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चला था डांडी मार्च। और कितने दिन लगे थे डांडी मार्च, ये जो है पैदल यात्रा था, तो ये 24 दिन लगा था। और कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। और कुल कितने अनुयायी थे, तो ये जो है 78, महात्मा गांधी सहित जो है ये 79 लोग शामिल थे इसमें। ये जो है डांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे, 79 लोग, एक गांधी जी और 78 अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया, महात्मा गांधी ने जो है पहला किसान आंदोलन जो है ये चंपारण में कहां किया, चंपारण बिहार में 1917 में, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह ये किसने चलाया था, बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार पटेल ने चलाया था, ठीक है। डांडी मार्च, डांडी मार्च कब हुआ, तो ये 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और 9 अगस्त के जो है, मतलब 8 अगस्त के मध्य रात्रि को, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु इसी दिन हो गई थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरुआत कब हुई, 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट, रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, रॉलेक्ट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को प्रारंभ हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट कब प्रारंभ हुआ, 19 मार्च 1919, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता किसने किया था, सर सिडनी रॉलेट ने किया था, सर सिडनी रॉलेट ने, ठीक है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में, ठीक है। और ये जो है, ये जो जालियांवाला बाग जो है ये जल्ली नामक व्यापारी का जो है निजी संपत्ति थी, ठीक है। महात्मा गांधी जो है भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी आए थे, इसी के याद में मनाते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है ये जो है 19 या 20 जुलाई कुछ भी देगा, ठीक है, 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। और दोनों के अनुसार जो है महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी।
साम्राज्य का स्थापना किसने की, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने, ठीक है, किसने किया, बिंबिसार ने। बिंबिसार को जो है श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, बिंबिसार को जो है श्रेणिक के नाम से। अस्थाई सेना रखने का श्रेय जो है सबसे पहले किसको जाता है, तो ये बिंबिसार को जाता है। आजाद शत्रु को जो है कुनिक के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, कुनिक को ना, कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है, आजाद शत्रु को, ठीक है। और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा और सोन नदी के संगम पे है, गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र है, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है बिंबिसार थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है 323 या 322 दोनों में से कोई भी देगा, ठीक है, 298 ईसा पूर्व, 323 से जो है 298 ईसा पूर्व तक जो है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के, सॉरी मौर्य वंश के जो है संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, और ये जो है जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, ये किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और इन्होंने अपना प्राण जो त्यागा था, तो ये जो है संलेखना विधि, संलेखना विधि क्या है, तो इसमें जो है अन्न जल जो है ये सब त्याग दिया जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सरवन बेलगोला, ये कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, किसने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन ये किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्कंद गुप्त को जो है शक्रादित्य की उपाधि दी गई थी, स्कंद गुप्त को किसकी उपाधि, शक्रादित्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद थे, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक ये चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त था, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, महाभारत की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किसने किया, वेदव्यास ने किया, किसने किया, वेदव्यास ने। और महाभारत का जो है प्रारंभिक नाम क्या था, तो जय संहिता था, महाभारत का जो है प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या जो है कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, इसी के साथ एक चीज और याद कर लीजिए, ये जो है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो ये 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो ये 6, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। संस्कार की संख्या कितनी है, तो 16। विवाह की संख्या कितनी है, तो 8, ठीक है। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है, आश्रम व्यवस्था में जो है कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है, तो ये 4 आश्रम की उल्लेख की गई है, ठीक है, 4 आश्रम, ठीक है। विवाह कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था, तो शाही संप्रभुता, किस लिए, शाही संप्रभुता, मतलब राजा अपना जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, ठीक है, तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो है, इसकी खोज 1922 में हुई, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल ये भी है, ये जो है रंगनाथ राव ने इसकी खोज की, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की, ये भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा ये बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की थी, ठीक है, और ये जो है घग्गर नदी के तट पे है। और ये जो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है, संगम वंश के थे वो दोनों, हरिहर और बुक्का। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1316 में। इस समय जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था,
तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में किया था, 1784 में। और ये कहाँ किया था? तो ये कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में किया था। नेक्स्ट, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया था, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? रावी। रावी को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? प्राचीन नदी जो परूसनी नदी, ठीक है, रावी को जो है परूसनी नदी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये जो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, ठीक है, मृतकों का टीला, और ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार ये कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। बृहत अन्नागार, स्नानागार, सूती कपड़े का प्रमाण, ये सब कहां से मिला है? ए, फिर जाकर के जो है नृत्य करती हुई कांस की जो है मूर्ति, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये जो है शतरंज के खेल का प्रमाण ये कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है, ठीक है। कालीबंगा से जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत जो है ये सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं और भग्नावशेष आते हैं, तो इनमें जो है साहित्य जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। और ये जो है मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। फिर जाकर के जो है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक जो है किस धर्म का साहित्य है? ये बौद्ध धर्म का साहित्य है, ठीक है, त्रिपिटक। इसमें जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक और जो है विनय पिटक, कौन सा? विनय पिटक, ये तीन पिटक आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राज तरंगिणी किसने लिखा? राज तरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का जो है जानकारी मिलता है। और जो है श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। और राज तरंगिणी किसने लिखा था? तो ये कलहन ने लिखा था, ठीक है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? अष्टाध्यायी की रचना जो है ये पाणिनि ने किया था। अष्टाध्यायी की रचना ये किसने किया? तो ये पाणिनि ने किया था, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया? विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया? विशाखदत्त ने किया था। और कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना ये चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने किया था। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल जो है 1526 को जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और बोलेगा युद्ध स्थल में मारा गया प्रथम शासक कौन था? तो यही इब्राहिम लोदी था। युद्ध स्थल में मारा गया प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, अकबर के दरबार में जो है प्रख्यात गायक कौन थे? तो तानसेन। तानसेन को जो है राम तनु पांडे के नाम से जाना जाता है, राम तनु पांडे, राम तनु पांडे, ठीक है। नेक्स्ट,
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे है। और सबसे मतलब प्रदूषित नदी कौन सा है? तो ये भी यमुना नदी है, ठीक है। और ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था अपने पत्नी के याद में, मुमताज महल के याद में, ठीक है। नेक्स्ट, सुलाहे कुल की नीति किसकी थी? सुलाहे कुल की नीति जो है ये अकबर की थी, ठीक है। सुलाहे कुल की नीति जो है ये किसकी थी? अकबर की थी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ये अकबर ने, ठीक है। जजिया कर जो है ये कब हटाया था? दास प्रथा 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, और जजिया कर 1564, तीर्थ यात्रा 1563 में, और ये जो है जजिया कर 1564 में हटाया था, ठीक है। नेक्स्ट, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक जो है ये जीएस लेविदेव को कहा जाता है, ठीक है। निकोलो डी कोंटी ये किसके दरबार में आए थे? कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। निकोलो डी कोंटी जो है ये किसके दरबार में आए थे? कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल हम्पी को घोषित किया गया 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो है कृष्ण देव राय था। कौन था? कृष्ण देव राय। ये जो है कृष्ण देव राय जो है अमुक्त माल यदा, अमुक्त माल यदा नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य से है, ठीक है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य, 1336 में इसकी स्थापना हुई। और बामनी जो है ये 1347 में, बामनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है बामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसकी राजधानी जो है प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में जो है ये बरार इसकी राजधानी कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हुआ था, और ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग जो है ये 1875 में, दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये भी जो है 1875 में हुआ था, आर्य समाज की स्थापना। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये जो है आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी आर्य समाज की स्थापना जो है इसका जो है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड जो है ये 1793 में, कब बना? 1793 में, ठीक है। नेक्स्ट, दामने कोह क्या था? दामने कोह जो है एक प्रकार का भूभाग था, ठीक है। दामने कोह क्या था? तो एक प्रकार का भूभाग था। ये कहाँ था? तो ये भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी के क्षेत्र में, भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी के क्षेत्र में। और ये जो है दामने कोह ये किससे संबंधित था? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, 1855-56 में हुआ था। और ये किसने चलाया था? तो सिद्धू कानू चांद और भैरव, ठीक है। सिद्धू कानू चांद भैरव ने जो है संथाल विद्रोह चलाया था। नेक्स्ट, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवाड़ी जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है इस समय जो है गवर्नर जनरल क्या लॉर्ड विलेजली थे, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था के समय जो है लॉर्ड विलेजली थे। और ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉलकट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉलकट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट, सांथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सांथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? भागलपुर और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और ये जो है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू और कानू। बिरसा मुंडा, मुंडा आंदोलन कब चला था? तो ये जो है 1895 से 1900 के बीच, ठीक है।
ये किसने चलाया था? तो बिरसा मुंडा ने चलाया था, ठीक है, मतलब मुंडा आंदोलन। फ्रांसिस ब्यूकानन कौन था? तो फ्रांसिस ब्यूकानन जो है ये कौन था? सर्वेक्षक था, सर्वेयर जनरल, अगर इंग्लिश में देगा तो सर्वेयर जनरल देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है 217 साझेदार थे, कितने? 217 साझेदार थे, पार्टनर कितने थे? तो 217 था, ठीक है। और ये जो है बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस बादशाह के समय हुआ था? तो ये अकबर के समय हुआ था, किसके समय? अकबर के समय हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्योंकि 1600 ईस्वी में तो अकबर जो है ये जो है 1605 तक थे, अकबर का शासनकाल जो है ये 1605 तक था, ठीक है। 1556 से 1605, 1556 से जो है ये 1605, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम जो है दामोदर राव था, क्या था? दामोदर राव, ठीक है। नेक्स्ट, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और बोलेगा पटना में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने, किसने किया था? पीर अली ने, ठीक है। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो है पाम अस्टर्न थे, कौन थे? पाम। और बोलेगा 1857 के समय जो है, 1857 के विद्रोह के समय ये एक दिन के लिए जो है राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद। एक दिन के लिए राजधानी कहाँ बनाया गया? एक दिन के लिए राजधानी जो है, एक दिन के लिए राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद को जो है एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य जो है रैदास भी थे, कबीर, और जो है धन्ना और पीपा, ये सभी थे, ठीक है। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ये रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, इनमें से सभी थे, ठीक है। नेक्स्ट, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी किसका? तो गुरु नानक का। तलवंडी जो है ये किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का, ठीक है। मीराबाई, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुडकी के मेड़ता ग्राम में हुआ था, कुडकी के जो है मेड़ता ग्राम में, मेड़ता ग्राम में हुआ था, ठीक है, कुडकी के जो है मेड़ता ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ है? तो अजमेर, ठीक है, अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट, काशी किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो ये कबीर का हुआ था, ठीक है, कबीर का। और कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो मगहर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हेनसांग किस देश का यात्री था? तो हेनसांग जो है ये किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था, किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। और ये कहाँ का यात्री था हेनसांग? ये चीनी यात्री था, ठीक है। फाहियान हो गया, हेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, ये सब किस कौन से यात्री थे? तो चीनी यात्री थे। मोरक्को से कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, रेहला नामक पुस्तक की रचना जो है इब्न बतूता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है ये अलबरूनी की, ठीक है, तहकीक ए हिंद ये किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की है, ठीक है। फाहियान ये किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है ये भारत आया था, ठीक है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो है ये मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण दिया था। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र का जो है विस्तृत विवरण दिया था। और मेगास्थनीज ने जो है
इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है ये किसने किया था? तो ये मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जो है जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ये जो है कब आया था कैप्टन हॉकिंस जो है? ये 1608 में, ठीक है। 1608 में जो है फ्रेंड नामक पत्रिका लेकर आया था, ठीक है, फ्रेंड नामक पत्रिका। और जो है एक और आया था 1615 में, 1615 में जो है सर टॉमस रो, कौन आया था? सर टॉमस रो जो है, टॉमस रो आए थे। ये भी जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए थे ये भी, सर टॉमस रो। नेक्स्ट, गाइस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसको देखिए और आप लोग जो है आने वाला जो एग्जाम है ये 4 अक्टूबर को, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। और ये जो है आने वाला एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। देखिए और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।